सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय दोस्तों, और कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में बताएंगे कि यहाँ पर जो देख लीजिए हमारा वीकेंड डाटा रोलर का ऑप्शन दिख रहा है हमारे वोडाफोन जो ऑफिशियल हमारा वो होता है एप्लीकेशन, तो अब तो वोडाफोन एप्लीकेशन VI में चेंज हो गया है, जो कि हमारा वोडा आइडिया सेम दोनों कॉम्बिनेशन हो गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारा जो ये VI वाला एप्लीकेशन है, इसको जब आप डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद अगर आप ऐसे रिचार्ज वाले ऑप्शन पे आते हैं, रिचार्ज वाले ऑप्शन पे आने के बाद उसमें कुछ ऐसा आपको नीचे पेज दिखता है, ऊपर आपका डेटा दिखता है, डेटा पैक कि आपका कब कितने डेटा आपको पर डे मिलते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर कुछ आपको दिया गया है कि जैसे आपका यहाँ पर वीकेंड जो आपका वीकेंड होता है, तो यहाँ पर दिया गया है कि वीकेंड में आपका कितना मतलब डेटा रोलर होता है, तो इसका मतलब क्या है। बहुत लोग ने मुझे इंस्टाग्राम पर बोला कि भाई ये क्या है, इसको मतलब एक वीडियो लाओ, तो मैं फुल वीडियो यहाँ पर लाया हूँ। दोस्तों एक बार बताऊँगा कि अगर हमारी वीडियो आप पूरी देखते हैं, वीडियो अच्छी लगती है तो कर देना लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए आपका जो वीकेंड डाटा रोलर है, इसका ऑप्शन ये होता है, देख लीजिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इसका मेन्यू ओपन हो गया। मेन्यू ओपन होने के बाद देख लीजिए मैंने लास्ट रिचार्ज 700 का कराया था, 699 का ऑन 7 जैन को ही ख़त्म होता है, 7 जैन को। तो यहाँ पर मेरा कुछ मेन बैलेंस होने के बाद देख लीजिए आपको जो मेन है, तो मेन वीडियो में जो बताऊँगा, तो यहाँ पर लेफ्ट टूडे डाटा, तो आपका टोटल डाटा, टोटल जो हमारा डाटा है यहाँ पर 2.1 GB बच गए हैं, मतलब 2100 MB बच गए हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, मतलब इवनिंग का टाइम हो रखा है, तो यहाँ पर अभी इतना बचा है। और जो नीचे हमारा आता है, तो आप लोग इसको देख के कंफ्यूज होते हैं कि साला नेट तो इतना ही बचा, इतना जो हमारा रोलर है इसका क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब ये भी डेटा होता है जो आप इस पर, एक अपडेट आया है कि अगर आप रिचार्ज करते हैं, रिचार्ज करते के आप इसको नेट नहीं ख़त्म करते हैं, तो इसका मैं ये बताऊँगा, पहले एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको बैक करके। अगर आप रिचार्ज करते हैं, रिचार्ज अपने नंबर पर करते हैं, तो रिचार्ज देख लीजिए कौन सा रिचार्ज करते हैं, तो ये आपके ऑप्शन आता है और इसका क्या क्या मतलब रीजन है, क्यों आता है। तो देख लीजिए इसके बाद आप इस पर रिचार्ज वाले ऑप्शन पर जब क्लिक करते हैं, तो आपका जो रिचार्ज है कुछ ऐसा शो करता है। तो मैं अब अनलिमिटेड रिचार्ज क्लिक कर देता हूँ, तो मैं जैसे एग्जांपल मैंने ये क्लिक किया, तो इस पर देख लीजिए आपका क्या लिखा है, वीकेंड डाटा रोलर इसमें लिखा है, जिसमें वीकेंड डाटा रोलर लिखा है, अगर वो आप रिचार्ज करते हैं तभी आपका मतलब आपका फ़ायदा होगा। तो मैंने ऑलरेडी मतलब ये रिचार्ज जो किया, तो मैंने ये ऑलरेडी रिचार्ज कर लिया। रिचार्ज करने के बाद मैं फिर से जो बैक आ जाता हूँ, तो इसमें हाई सब हटा देता हूँ, तो बैक आ जाता हूँ, तो फिलहाल मैं इसमें बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद देख लीजिए इसका मीनिंग बताएंगे फुल क्या है इसका डिटेल है। तो अब देखिए मैंने उसको रिचार्ज किया, रिचार्ज करने के बाद अब ये उस रिचार्ज के ऑप्शन पर आएगा, अलग अलग पैक होता है इसका। तो इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप कभी भी टाइम नहीं दे पाते हैं, ऑफिस क्लास होमवर्क वगैरह कुछ भी काम करते हैं, तो अगर आप टाइम नहीं दे पाते हैं इंटरनेट में या किसी भी बिजी हो जाते हैं, 1 महीने का बैक डलाएं, तो आपका जो अगर आज डेटा नहीं ख़त्म कर पाए 1 GB, तो आपका 1 GB रिफंड होके अगले वाले चला जाता है, ऐड हो जाता है। तो ऐसा आपका फ़ायदा हो जाता है, और आप ऐसा ऐसे करके नहीं चला पाते हैं, तो आपका जो सैटरडे में टोटल डेटा आपका वीकली ऐड होता है, अगर उस दिन आप यूज़ कर ली पूरा डेटा ठीक, वरना वो फिर से हट जाएगा सारा, क्लियर हो जाए। तो इसका फ़ायदा दोस्तों ये VI ने दिया है कि अगर आपका रिचार्ज भी मतलब पैसा भी लॉस ना हो, ऐसा वैसा। तो अगर ये वीडियो हमारी अच्छी लगी, ये जो बताएं सब अच्छा लगा, तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए। तब के लिए बाय बाय दोस्तों, टाटा।